फिर भी इन आस्तीन के सांपों से कैसे निपटेंगे सर? नहीं, मनीष जी, आस्तीन के सांपों से ऐसे निपटेंगे कि खुलकर इनको आईना दिखाना पड़ेगा। अब बता दूं कि सारा यह है कि गुजराती प्रधानमंत्री क्यों है, मराठी क्यों नहीं, सारा झगड़ा यह है मनीष जी। यही पूरी काम कर रही है, इसीलिए मैंने कहा सबकी चुप्पी है इतने बड़े करतूत पे, इतने बड़े कुकर्म पे, कि वो नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। जरा बता दूं कि ये कितने काबिल है, ये बताता हूँ। वो ये नितिन गडकरी को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर यहाँ एक महीना डेरा डाले रहे थे, और एक घनघोर मोदी विरोधी, मेरे ख्याल से इस धरती का सबसे बड़ा मोदी विरोधी वो संजय जोशी, उसको साथ में लेकर लेटे हुए थे। एक डेढ़ महीना पूरा यही डेरा डंबू डाल के बैठ गए, और भाजपा की नंबर आया चौथा, 42। ये बता रहा हूँ 2012 के चुनाव की हरकत। ये क्षमता, ये नेतृत्व क्षमता और ये संगठन क्षमता, ये नितिन गडकरी की इसी उत्तर प्रदेश ने देखी है। और वही जब नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान आई, तो जो जो डेढ़ महीना यहाँ पड़े रहे थे कैंप करके, एक एक आदमी से मिलना, एक एक आदमी से बात कर रहा हूँ, ये कर दो वो कर दो, और दूसरा वो बड़ा काबिल संजय जोशी, वो भी साथ में बिल्कुल, एक और एक 11 की टीम थी, और सीटें आई 48 से 42। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी के आए, तो उस आदमी का करिश्मा है कि उसी उत्तर प्रदेश में सीटें आई 325। ये अंतर है नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी की क्षमता में, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में। ये गुजराती और मराठी छेड़ के जो चला रहे हो, चलाओ, वही वाली बात है कि ज्यादा बोल जाऊंगा। और ये तब होता है ना जब आप कल हम लोग कह रहे थे कि जब पाकिस्तान में ध्रुव राठी की तारीफ हो रहा हो, और पाकिस्तान जब लहालोट हो। और मनीष जी एक और बता दूं कि वो सड़कें बड़ी गजब की बना दी, ऐसा काम किया, अद्भुत काम किया, तो ऐसा नहीं है कि कोई अनोखा काम किया। 2012 में मैं एक हफ्ता सड़क पे ही घूमा था गुजरात, और जो सड़कें आज आप देख के बड़े अभिभूत हो रहे हो, कोई नितिन गडकरी नहीं था। गुजरात की सड़कें देख के जो हम लोग सारे मित्र बाहर से गए थे, 10-12 मित्र थे, हम लोगों की आंखें खुली रह गई थी कि यार गुजरात के छोटे छोटे जिलों में इस तरह के 4-लेन हाईवे, तो सड़क बनाने का काम जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। ये उनका सपना था जो स्वर्णिम चतुर्भुज था, और उसको साकार तो 2014 से पहले गुजरात में कर दिया था। जो लोग घूमे होंगे गुजरात, उन्होंने देखा होगा, मतलब बिल्कुल सर। मैं 2010 में मैं भी गया हुआ था, एक महीने लगभग गुजरात में रहा था मैं, जब अपने ऑफिस के काम से गया था गुजरात, गोधरा के जजमेंट को कवर करने, और मुझे वहां रहना पड़ गया था एक महीने के लिए। तो पूरा गुजरात जो है उस एरिया, आज मनीष जी पूरा हिसाब किताब जरा कर दूं कि तो ये कोई कहे कि मतलब ये जो सड़कें बन रही है, तो ये कोई बड़ा अनोखा आइडिया क्या, इससे पहले हिंदुस्तान में नहीं था, तो गुजरात में नरेंद्र मोदी इसको कर चुके, तो पूरा गुजरात जानता होगा, गुजराती और जो वहां गुजरात गए उन्होंने देखा होगा। और दूसरी चीज मनीष जी कि एक साल में इतनी सड़कें बना दी, एक साल में इतनी सड़कें बना दी, ये सड़कें पैसे से बनती हैं, ये पैसे बाजी करने से नहीं बनती। तो जो 16 लाख करोड़ का बजट था हिंदुस्तान का 2014 में, वो 48 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी की बदौलत हुआ है, गडकरी की बदौलत नहीं हुआ। तो जब रुपया आया खजाने में, तो 10,000 किलोमीटर बनाओ चाहे 20,000 किलोमीटर बनाओ, वो कोई बड़ी ताकत की बात नहीं। ताकत की बात यह है कि सड़क बनाने के लिए पैसा कौन लाया, पैसा किसने इकट्ठा किया, किसको क्या इसका माला गडकरी पहना दूं, और ये उस प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए इस हद तक उतारा है। बिल्कुल, और इसीलिए माना जा रहा है कि ये पूरी व्यवस्था चाहती थी कि मोदी बहुमत में बीजेपी नहीं आए, तो बीजेपी के नाम पर गठबंधन के दल तैयार नहीं होंगे मोदी के नाम पर, और फिर नितिन गडकरी आ जाएंगे, और ये घोर मोदी विरोधी, घोर एंटी नेशन, बीजेपी नहीं, जो इतना एंटी नेशन है, जो शरारती तत्व, सबने भी यही चाहा।